आपको याद होगा उत्तराखंड में टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को जिन योद्धाओं ने निकाला था, पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने उनको देखा, और 41 मजदूरों की जान बचाने वाले जो मुस्लिम नौजवान थे, वहीं आज मैं मौजूद हूं और उन्हीं के घरों पर जो है बुलडोजर चला दिया गया है। DDA की कार्रवाई जिस तरीके से लगातार मस्जिद पर, मदरसों पर, ख़ास मज़हब के लोगों पर की जा रही है, आज वही कार्रवाई देखने के लिए यहाँ पर मिली है। वकील हसन जो 41 मजदूरों को निकाला था जिन्होंने अपनी टीम के साथ, कल उनके मकान पर बुलडोजर चला दिया गया ये कह करके कि ये अवैध है, लेकिन कॉलोनी में और भी मकान है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर उन्हीं का मकान अवैध है इस कॉलोनी में, तो सिर्फ उन्हीं के मकान पर क्यों जो है बुलडोजर चलाया गया, और इसमें अगर वो कुछ कर सकते हैं तो इसमें उनकी वो मदद कर दें। लेकिन अब उसमें नतीजा ये हुआ है कि उनके मकान को तोड़ दिया गया और उनको मकान से निकाल करके सड़क पर ला दिया गया। मैं यहीं पर उनके बच्चों से, उनकी मिसिस से और यहाँ तमाम रेड माइनर्स जो लोग थे, जो उनकी टीम के लोग थे, और ख़ुद वकील हसन से जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। वकील साहब, क्या वजह रही जो मकान आपका तोड़ दिया गया? सर, वजह तो मैं नहीं जानता वजह क्या रही है। मैं तो न तो मुझे कोई नोटिस दिया गया, ना मुझे कोई बताया गया, ना मुझे आगरे में कोई जानकारी दी गई। बगैर बताए मेरे पीछे, और मेरी यहाँ वाइफ, मेरी बच्ची भी, मेरे बीवी भी नहीं थी, मेरी बीवी अपने घर गई हुई थी, तो वो आए और आकर उन्होंने इस तरीके से बिहेव किया जैसे किसी क्रिमिनल के साथ किया जाता है। उन्होंने पहले बहुत बदतमीजी बच्चों के साथ में, बच्चों से कहा दरवाज़ा खोलो नहीं तो हम दरवाजे तोड़ दें। बच्चे डर गए, वो कहने लगे क्या हुआ, मतलब ये क्या बात है, ये इस तरीके से क्यों व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि पापा ऐसा है, मैं खुद घबरा गया था उस वक्त, मेरे खुद पसीने आ गए, मैंने क्या हो गया, ऐसा कौन आ गया मेरे घर में, ऐसे किसकी हिम्मत हो गई कि कोई ऐसे आके मेरे घर को, मैं आके मेरे बच्चों को ऐसे धमका रहा है। ये बच्चे घर में अकेले थे सर, सबसे बड़ी बात देखिए बच्चे घर में अकेले थे और उन्हें आके डराया गया, धमकाया गया दरवाजे खोलने के लिए, उन्हें बहुत मतलब वो करा गया। लेकिन बच्चों को मैंने बोल दिया, बच्चों आप, पता नहीं कौन था, मुझे भी नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता। मैंने उनसे बोला आप दरवाज़ा मत खोलना जब तक मैं वहाँ जाऊँ। मैं बड़े हबड़ दबड़ में जहाँ था वहाँ से आया हूँ, और कैसे ही किस तरीके से माया मैं जानता हूँ, मेरे साथ कुछ घटना भी घट सकती थी जिस तरीके से मैं वहाँ से आया हूँ। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा DDA के कर्मचारी थे, कुछ पुलिस वाले भी थे यहाँ पर, वो कहने लगे भाई दरवाज़े खुलवा। मैंने क्या बात है, कहने लगे हम मकान तोड़ने के लिए आए हैं और आपका वो है अनऑथराइज्ड वो है। मैंने अनऑथराइज कैसे है सर, ये जब मेरे इधर भी मकान बने हैं, इधर भी मकान बने हुए हैं, सामने ही मकान बने हुए, पीछे बाउंड्री हो रखी है DDA की, सामने आपकी MCD की आपकी सड़क भी हो रखी है, तो मेरा ये मकान क्यों अनऑथराइज है? जब मैंने दो चार क्वेश्चन उनसे किए तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो वे जब उनके पास जवाब नहीं था, उन्होंने कहा सर ये बदतमीजी कर रहा है, इसे आप पुलिस वाले से बोला इन्हें आप लेके थाने जाओ और इन्हें यहाँ से हटाओ। तो मेरे साथ मेरी जो लड़की थी जो 14 साल की, एक लड़का मेरे 17 साल का है, और मेरा दोस्त मुन्ना, इन सभी को थाने में लेके चले गए हम लोगों यहाँ से, उन हम लोगों यहाँ से हटा दिया। जब दरवाज़ा इस तरीके से इन लोगों ने तोड़ा जैसे किसी क्रिमिनल का तोड़ते हैं, छेनी से, घन से, और तुम्हारा गेती से इस तरीके से तोड़ा गया कि जो ऊपर वाले ने हमें इज्जत दी थी वो हमारी अब तार तार इन लोगों ने कर दी, ठीक है। और मेरी बच्ची के बोर्ड के पेपर भी थे, आज के बोर्ड का पेपर था, वो भी आज उनका छूट गया। उसका जिम्मेदार कौन होगा? इनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी क्या पब्लिक के लिए बनी हुई है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ के इन बच्चों के साथ मतलब मार पिटाई करने के बाद, मतलब बदतमीजी की उन लोगों के साथ, मेरी जो लड़की है 14 साल की है और लड़का भी 17 साल का, वही माइनर में ही है, उनके साथ मार पिटाई की और फिर उन्हें धक्का मुक्की करके उन्हें भी थाने में पहुँचाया गया। बच्चों को भी? जी, बच्चों के साथ भी ये बिहेव किया गया। और फिर मेरे पीछे हमें लोगों को 8 बजे तक बैठाया गया, और 8 बजे जब वहाँ बैठ रहे तो उन लोगों ने इस मकान को तोड़ के ज़मींदोज कर दिया, जो सारा मकान को बिल्कुल बहुत जल्दी ऐसे काम किया है, ऐसे काम कोई करता नहीं है। और एकदम देखिए 8 बजे तक उन लोगों ने दीवार भी कर दी इसके पास में ऊपर, मतलब तोड़ने के बाद दीवार भी लगा दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे भी रोड पर बैठा दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप ही हैं जिन्होंने 41 मजदूरों की जान बचाई थी, उसका सिला ये मिला? जी बिल्कुल सर, मैं ही हूँ जिन मेरे मैं ही हूँ और मेरी टीम है, मैं ये नहीं कहूँगा मैं अकेला हूँ, मेरी टीम है जिन्होंने 41 लोगों को वहाँ से सर रेस्क्यू किया था, अपनी जान की परवाह किए बगैर। हमने अपनी जान की परवाह नहीं की थी वहाँ पे, जब हम वहाँ घुसे थे हम लोगों में ऐसा था कि वहाँ हमारे भाई हैं, दूसरे हमारे भाई मजदूर हैं। हमने ना अमीर देखा, वो उन कंपनी के एम्प्लॉय भी थे उसमें, ना हमने मजदूर देखा, ना हमने कोई अमीर देखा, ना कोई गरीब देखा। हम अपनी जान की परवाह किए बगैर, किसी के घर में शादी भी थी वो शादी को छोड़ के गया, किसी कोई अपनी बीवी को बता के नहीं गया, और किसी के घर में हमारे लिए, हमारे घर में हमारा बच्चा इतना सा 7 साल का सर, वो प्रेयर कर रहा था, हम वहाँ के जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा था, वो बच्चा 7 साल का, उसे क्या पता इस चीज़ का, हमारे लिए दुआ कर रहा था। तो
हमारी सिचुएशन वहाँ ये थी कि अंदर वाले सेफ थे, लेकिन हम अगर ऊपर वाला हम पे मेहरबान नहीं होता तो हम वहाँ एक मिनट एक सेकंड के वो नहीं थे। जिस तरीके से वो पहाड़ बैठा हुआ था 60 मीटर के उसमें, वो वहाँ से भी पहाड़ बैठ सकता था जरा सी वो होने पे ही। लेकिन जब ये काम हो गया, सारे हमने इतनी मेहनत से इस काम को किया, तो ये मानिए हमारे साथ ऐसा सलूक हुआ जैसे एक दूध में से मक्खी निकालने वाला। सरकार ने हमें 50,000 रुपये से पुरस्कृत किया, सभी को जो अंदर थे उनको 1,00,000 रुपये दिया गया। अब एक चीज़ देखिए, इसमें बैलेंस देखिए किस हिसाब से आते जो अंदर है सेफ सिक्योर, उन्हें 1,00,000 रुपये दिया गया, जिसने है ना इनका हज़ारों करोड़ का बजट बचा दिया। मतलब ये हमने 28 नवंबर को उनको बाहर निकाल दिया, 27 नवंबर को लगने के बाद में, मतलब 27 घंटे के अंदर। वही जो बड़े बड़े एक्सपर्टीज थे उनके, वे बोल रहे थे अब ये 25 दिसंबर तक निकल पाएंगे यहाँ से। मतलब एक महीना इन्हें हज़ारों करोड़ से भी ऊपर सिस्टम जा रहा था, इन लोगों ने 50,000 रुपये देकर हमें ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये यहाँ पर आए हम, यहाँ आने के बाद हमें सम्मानित किया गया हमारे माननीय जो सांसद मनोज तिवारी जी, वे आए, उन्हें वे हमसे मिले, उन्होंने हमें बहुत शाबाशियाँ दी, आपने बहुत अच्छा काम किया देश के लिए। मैंने सर उन्होंने हमें 25,000 रुपये भी दिए थे प्रोत्साहन राशि, हमने मना किया, हमने कहा सर आप मैं ये मत दीजिए, आप एक काम कीजिए, मैं जिस घर में रहता हूँ उस पर डीडे वाले बार बार आते हैं, आप वो हमारा जो हमारा घोंसला वो हमें लौटा दीजिए, हमें और कुछ आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, पैसे नहीं चाहिए हमें, सब्सिडी नहीं चाहिए, राशन कार्ड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ हमारा घर चाहिए जिसमें आप अपने बच्चों के साथ रह जाए। तो तिवारी जी ने और जो हमारे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी आई थिंक, उन्होंने आश्वासन दिया इस तरह से कि अब हसन आपके मकान को कुछ नहीं होगा, हम हैं और हम खड़े होकर मकान बनवाएंगे और आपके साथ खाना खा के भेजाएंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आया उन्होंने इसका उल्टा कहा था या जो उन्होंने बोला था ये कहा था। अब मैं उन्होंने मुझे बाहर निकाल के बैठा दिया, क्या ये काम उनकी जानकारी के बगैर हो सकता है? मैंने क्या गलत किया? मुझे समझ ही नहीं आ रहा सर। एक दिन मेरे आँखों में आंसू थे उस वहाँ के जब इन लोग निकले थे, और आज मेरी आँखों में आंसू मैं यहाँ उन लोगों ने निकाल के बैठा दिया। तो उस दिन आतिफ रशीद भी थे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन भी थे जी, क्या वो पहुँचे उनसे कोई खैर खबर? नहीं नहीं सर, सर किसी की भी कोई खैर खबर नहीं है, कोई भी कोई खैर खबर नहीं है। आप लोगों की बात उन तक पहुँचे तो कहें हमसे बात करें, हमें ज़रूरत है उनकी। अब क्या चाह रहे हैं आप, क्या कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर, या क्या कहा जा रहा है जिस तरीके से अब इसमें पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है? सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरी कोई इतनी बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं है, मैं सिर्फ अब भी यही कह रहा हूँ, पहले भी करता हूँ, मुझे सिर्फ मेरा घर दे दीजिए, बाकी मैं अपना खुद करके अपना जो भी करना मैं खुद कर लूँगा, बच्चों को पढ़ाना खुद कर लूँगा, बच्चों की शादी ब्याह भी मैं खुद कर लूँगा मेहनत करके जैसे भी करना है, लेकिन मुझे मैं सिर्फ घर लौटा दीजिए जो मैंने अपने जीवन जिसका ब्याज मेरा जिसका पैसा मेरे पास आज भी बकाया है, आज भी वो पैसा मेरे से नहीं उतरा है और मेरे कई रिश्तेदारों से मेरी बुराइयाँ भी हो गई हैं। अभी आप उस जो सम्मानित किया गया था आपको, अभी मुश्किल से 4 महीने भी पूरे नहीं? नहीं सर, 28 नवंबर के बाद अभी क्या चल रहा है, फेबरवरी चल रहा है सर, 2 महीने मुश्किल हुआ सर, 2 महीने हुआ है पूरा, आज 28 ही है ना, तो इतनी जल्दी बुला दिया गया इस चीज़। अब बताइए तो 2 महीने में सर हो गया, बस उस दिन मैंने सोच रहा था, तो 28 से अभी आज 29 है, तो 2 महीने हुआ सर आज। क्या कोई और वजह भी लग रही है कि सिर्फ आप ही के मकान को तोड़ा गया इसको? सर मैं पहले इस चीज़ के बड़ा खिलाफ था और मैं सोचता भी था, लेकिन अब जैसी बातें हो रही है कि इतना हमारे उतना बताने के बाद भी उन्होंने जब मेरा नाम वकील हसन सुना और ये बात सुनने के बाद उन्होंने फिर कुछ भी नहीं सुना। आपने बताया कि मैं रेड माइनर जी, मैंने बताया उनको कि सर मेरा नाम वकील हसन है, मैं वो हूँ जो 41 लोगों को वहाँ से निकाला था, तो उन्होंने वकील हसन सुना बट ये नहीं सुना उन लोगों ने कि मैंने 41 लोगों को वहाँ से निकाला था, और कम से कम इस चीज़ को शर्म कीजिए। तो उन्होंने तो ये कसम खा के आए थे कि हम इसे तोड़ के जाएंगे यहाँ से। हम उस काम की जो सराहना है प्रधानमंत्री ने भी की थी, आज आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री से या उन तमाम लोगों से जो आपकी हौसला अफजाई कर रहे थे? मैं कहना चाहता हूँ सर, इतना भी इंसान को वो नहीं होना चाहिए सेल्फिश कि आपको जनप्रतिनिधि चुना गया जनता के लिए, ना कि सिर्फ उद्घाटन के लिए, आपसी क्लेश के लिए, आप सिर्फ कभी तो सेलिब्रेशन करते हैं, कभी आप कहीं हार जाते तो उसका अंकन करते हैं, और बेचारी जनता आपसे सिर्फ मिलने के लिए तरसती रहती है, वो मिल ही नहीं पाती है। तो आपको अगर जनप्रतिनिधि बनाया गया तो हम जैसे गरीब लोगों से भी सर हमारा जो परेशानी है उसको भी प्लीज़ थोड़ा हल करने की कोशिश कीजिए। आप आपके ही पति ने जो है 41 मजदूरों की जान बचाई थी अपनी टीम के साथ और आप ही के मकान को अब तोड़ दिया गया, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम शबाना हसन है, मैं वकील हसन की बीवी हूँ, रेड माइनर्स की बीवी हूँ मैं। मेरे हस्बैंड ने कल उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाई थी,
41 घर बसाए थे, आज मेरा घर उजाड़ दिया गया। जो मेरा शोहर, मेरा हस्बैंड कल तक हीरो था ना, देश के लिए, देश का नाम रोशन करने वाला था, आज उसका नाम मिट्टी में मिला दिया सरकार ने। हमारा जो घर था उसे तोड़ के मेरे हस्बैंड को हीरो से जीरो पे बना ला दिया है। यहाँ मकान तो और भी हैं, फिर आप ही के मकान को क्यों तोड़ दिया गया? यही मेरी बात समझ में नहीं आती। हम भी बार बार डीडीए वालों से यही सवाल करते हैं, आप मेरा ही मकान तोड़ने के लिए क्यों आते हो? तो वो तो हमसे ये कहते हैं ये ज़मीन अनऑथराइज है, ये मेरे बराबर वाला जो प्लॉट है जिसमें हार्डवेयर की दुकान है, ये और मेरा प्लॉट 160 गज का प्लॉट था, दो प्लॉट थे, एक ही प्लॉट था, ये दो, एक प्लॉट में से दो प्लॉट कटे थे 80-80 गज के, एक मेरा एक जैन का, तो वो अथोराइज कैसे है और मेरा अनऑथराइज कैसे है? क्या मुझे सरकार समझा सकती है या डीडीए समझा सकता है? तो कल से रोड पर हैं आप जी, कोई नेता या कोई मंत्री, कोई छोटा मोटा कोई पहुंचा किसी भी पार्टी से? अरे भाई, नेता जी तब आते हैं जब कोई नाम रोशन करता है, जब कोई बहुत बड़ा काम करके आता है। यहाँ तो मेरा घर डेमोनेशन हुआ है, मेरे घर को मिट्टी में मिला दिया गया है, तो आज नेता कैसे आएंगे फोटो खिंचवाने के लिए? कोई शाबाशी का काम थोड़ी हुआ है जो नेता जी आएंगे, नेता बात करेंगे। आज तो हम बर्बाद होकर रोड पे आ गए हैं, तो अब हम उनके लेवल के थोड़े रहे। जब बड़ा काम किया था वो हीरो थे, तो हम उनके लेवल के थे, वो हमारे साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे, मेरे हस्बैंड के गले में माला डाल रहे थे, नोटों की भी और फूलों की भी, चादरें डाल रहे थे जैसे नेताओं के गले में डलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ा काम करके आए थे, देश का नाम रोशन करके आए थे, आज वो मिट्टी में मिल गए हैं। तो उनकी ना उसका ये सिला दिया है सरकार। यही तो करती है, जो अच्छा करती है, ईमानदार को हमेशा बर्बाद करती है, और जो बेईमान होते हैं ना, जो गले काटते हैं लोगों के, उन्हें ही आबाद करती है। ये दोगली सरकार है, झूठी सरकार है। बेटी का पेपर भी था, मेरी बेटी का, उसका साइंस का पेपर था, बोर्ड का पेपर था, कल का मेरी बेटी का पेपर छूटा है, आज का छूटा है, मेरी बेटी का जो स्कूल से जॉइंट फोन था वो फोन भी मेरी लड़की का वहीं टूट गया। उन्होंने आधा सामान तो हमें निकालने भी नहीं दिया, मैं तो घर पे थी भी नहीं, मोदी नगर गई हुई थी, सामान निकालने तक भी मोहलत, आधा सामान मुश्किल से निकला है, आधा सामान, मेरा सारा पार्लर का सेटअप था वो सारा सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मेरा डबल बेड था, बहुत सारा सामान था, सब अंदर नष्ट हो गया, और तो और जो बच्चों के रिपोर्ट कार्ड वगैरह थे ना, वो भी मिट्टी में मिला दिया उन्होंने। पता है वो क्या कह रहे हैं मनोज तिवारी जी? वो कह रहे हैं हमें आवास योजना पे मकान दिलवाएंगे। क्या होती है आवास योजना? जो घर से बेघर होते हैं, जिनका कुछ भी नहीं होता, वो बेचारे अय्या, उनको जमीन होती है कच्ची ढूंढरी जमीन पड़ी होती है, वो फॉर्म भरते हैं 2 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का, 50,000 रुपए दिलवाने वाला बीच में बिचौलिया खाता है, और 2 लाख रुपए हम जैसे बंदों को मिलते हैं, और क्या बनता है 2 लाख रुपए में? 2 कमरे और मेरा 1 करोड़ रुपए का मकान, मुझे वो आवास योजना पे टहला रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है मुझे ये शर्त माननी चाहिए? बताइए आप मुझे, मैं ये शर्त नहीं मानूंगी। मुझे मेरा मकान जैसा था, मुझे सिर्फ मेरा मकान चाहिए, साथ इज्जत के, और कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाह रही हूँ? प्रधानमंत्री जी से मैं यही कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी आप हाथ जोड़ते हैं, आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, प्लीज आप मेरा भी विकास कर दीजिए, क्योंकि आपने मेरा नाश कर दिया। बेटा जब वो आए थे डेमोलिशन करने के लिए डीडी वाले जी, क्या बोल रहे थे और कैसे जबरदस्ती अंदर घुसे, आपके साथ क्या किया? जब वो आए थे उस वक्त 10 या 10:30 बज रहे थे, और मैंने पूछा कौन हो आप, तो कहने लगे कि हम आपके पड़ोसी हैं और हमें आपसे बात करनी है। लेकिन उनके बात करने का तरीका मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगा, इसलिए मैं डर गई और मैंने कहा अच्छा मैं खोल रही हूँ, और मैंने दरवाजे को बंद कर दिया, अच्छे से उसको लॉक कर दिया। तो फिर वो कहने लगे दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। मैंने कहा कि आप दरवाज़ा क्यों तोड़ोगे, तो गलत बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वे कहने लगे कि हम दरवाज़ा भी तोड़ेंगे, हम घर भी तोड़ देंगे, बाहर निकल जाओ। मैंने कहा कि पापा जी जब आएंगे मैं उससे पहले मैं कुंडी नहीं खोलूँगी। कहने लगे तो फिर जल्दी करो, मतलब लेकिन तुम दरवाज़ा खोलो। मैं नहीं खोल रही थी, और मैंने पापा को कॉल करा, मैंने पापा जी को बताया, पापा जी ने कहा कि नहीं एक काम करना, खोलना नहीं, और तुम डरो मत ना, मैं आ रहा हूँ। और जैसे ही मेरे पापा आए मेरे, तो फिर उनको आते मेरे पापा ने पूछा उनसे कि वो उस वक्त दरवाज़ा तोड़ने लग रहे थे कुदाली से, तो मेरे पापा ने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कहने लगे कि बदतमीजी कर रहे हो और सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। मेरे पापा से बदतमीजी से उन्होंने बात करी और उनको ले जाके पुलिस स्टेशन में बिठा दिया।
फिर जैसे जैसे उन्होंने उसको तोड़ फोड़ के हमारे दरवाज़ा तोड़ दिया और हमें मेरे भैया खुलते के साथ उन्होंने मेरे भैया को हिट किया, मेरे भैया को उन्होंने मारा खूब, और मेरा उस वक्त सांस अटक चुका था तो मैं अंदर थी तो मुझे लेडीज़ पुलिस ने मारा था। और फिर कहने लगी रुक जा तुझे तो बताऊँगी मैं, तो उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। और फिर जाने के बाद में जब पुलिस स्टेशन में मम्मा भी आ गई, बात शाम से का टाइम हो गया तो मम्मा भी थे और कुछ रिलेटिव भी थे, तो मैंने उनसे बोला आपने मेरे मारा भी था। कहने लगी कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि हमने तुम्हें मारा था? तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, अब तुम किसी के सामने कहोगे कि हमने तुम्हारे मारा था तो तेरे पास कोई प्रूफ है? तो किसी को प्रूफ कर सकती है कि मैंने तेरे मारा था? बता निशान कहाँ लगा है? क्योंकि उन्होंने मुझे वैसे हर्ट किया, वैसे हिट किया था ना, लेकिन उन्होंने मेरे मारा था, वैसे चोट नहीं लगी है लेकिन भैया की चोट लगी है। आपका एग्ज़ाम भी था, पढ़ाई का कितना नुकसान हुआ, कितनी मेहनत कर रहे थे आप? मेरी नोट्स बुक्स वगैरह सब कुछ ख़राब हो गई और मेरे रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, और आज का एग्ज़ाम भी था वो भी छूट गया। बोर्ड के पेपर जी, कितनी मेहनत कर रहे थे आप पढ़ाई के, एग्ज़ाम की तैयारियां कैसे कर रहे थे? अच्छी कर रहे थे, अब तो क्या तैयारी है क्योंकि एक तो छूट ही गया, बस एग्ज़ाम से ज़्यादा अपने पापा की आंखों में जो आंसू आया ना उस चीज़ का मुझे दुख है। मेरे पापा को कभी नहीं रोते हुए देखा और आज मेरे पापा रो रहे थे। आपके पापा को रियल हीरो भी कहा प्रधानमंत्री ने? रियल हीरो का ही तो उन्होंने घर तोड़ा, रियल हीरो ही तो था वो जिसका घर तोड़ा गया, वो रियल हीरो ही था जिसने 41 घर बचाए थे और उसी रियल हीरो का एक घर तोड़ दिया गया। उसको ये कहा गया था कि आप टेंशन नहीं लो, ये तो तिनका है, तिनका ये मकान आप ही का है। तिवारी जी ने ये कहा था कि आपका ये मकान बनेगा और मैं खुद खड़ा होकर आपका मकान बनवाऊंगा और बनने के बाद हम दावत खाएंगे आपके घर पर बैठकर। हमारा मकान तो हमने तो एक ईंट भी नहीं छेड़ी और हमारा तो सारा मकान टूट गया। मेरे पापा ने कुछ भी नहीं मांगा था पुरस्कार के तौर पर, सिर्फ और सिर्फ अपना घर वापस मांगा तो और कुछ नहीं, कि उनको दोबारा से परेशान ना किया जाए, लेकिन नहीं। आप कुछ और कहना चाह रही हो जिस तरीके से दूसरा घर देने की बात की जा रही है? दूसरा घर नहीं देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही बताइए, क्या डीडीए से कोई ज़मीन ले सकता है? डीडीए किसी को ज़मीन देती है? नहीं देती है। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा घर वापस चाहिए जैसा था वैसा ही, क्योंकि उनका भी परिवार है। क्यों तोड़ दिया गया मकान? ये तोड़ क्या गया, हम वहाँ गए थे उत्तराखंड काशी, 41 लोगों को जो बचाया था वकील हसन और मैंने, और हमारी टीम थी, पूरा हिस्सा था हमारी टीम का, और उसका सम्मान ये प्लॉट तोड़ के दिया गया है हमें। हाँ, ये हमारा जो मकान है इसे तोड़ के जब सम्मान दिया गया है, हमें आए थे मनोज तिवारी जी भी आए थे, उन्होंने हमें उस दिन सम्मान दिया था, 25,000 रुपये भी दिए थे और हमें आश्वासन भी दिया था आपका ये मकान जो है थोड़ा सा एक मंजिल, हम इसे 2 मंजिल करवाएंगे और आपके घर पे बैठ के खाना पीना भी खाएंगे। हमें बहुत खुशी हुई थी, मैंने भाई इतने बड़े वो हैं हमारे यहाँ के सांसद हैं भाई, जब कह रहे हैं तो उस काम को करेंगे भी, मगर मुझे ऐसा लग रहा है ये कह के राजनीति वाली बातें कह के और नाट गए दिखे और नाटी गए, मकान तोड़ गया हमारा तो बनने से के बजाय तोड़ दिया गया। हमें बहुत बड़ा अफसोस है भाई, हमें लोग सुपर हीरो कह रहे थे, हमें तो ये लग रहा है हमें थाने में मुजलिम की तरह बिठाया गया कल, जैसे हमने कहाँ का कोई गैरकानूनी काम करा हो। भाई 41 लोगों की जान बचाना क्या गलत है? हमारा मकान तोड़ रहे हैं, हम नोटिस पूछ रहे हैं जी, नोटिस है इसका, वो पूछना क्या जुल्म है? हैं, हम पूछ रहे हैं तो हमें गाली दी जा रही है, पूछना जुल्म है? हमें थाने में ले जाके बिठाया जा रहा है 12 बजे से लेकर 8 बजे तक, ये जुल्म है? हैं, ये सबसे बड़ा जुल्म है हमारे साथ, ये हमने क्या गलत करा था किसी की जान बचा के? हैं, एक तरफ तो इतना सम्मान किया जा रहा था और अब ये सम्मान सब दिखावा था, ये सब दिखावा था। मैं 8x10 के कमरे में रहता हूँ किराए पे, भाई हमने इनसे कोई पैसा नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, शोहरत नहीं मांगी, हमें तो पब्लिक ने, जैसे पब्लिक सबको, किसी को मुख्यमंत्री किसी को प्रधानमंत्री, ऐसी पब्लिक ने हमें सुपर हीरो बना दिया। आज भी हमें बुलाते हैं सम्मान के लिए, प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, भाई क्यों देते हैं? हमारी बहादुरी पे हमें इन्हें लगता हमने कोई बहादुरी का काम करा है, और हमने बहुत मुसीबतें झेली थी उसमें, पाइप में घुसे थे, वो टनर ऐसी थी 180 मीटर में, जिसमें 180 मीटर ऐसा कच्चा था
जिसमें हम दबे हुए थे और वो लोग अंदर, बस उन्हें ये अफसोस था हम अंदर फंसे हुए, मगर हमारे ऊपर गिरती तो हम दब के मर जाते। मगर हम बुला दिया ना इस चीज़ को, बुला दिया, ये तो हमें भी भूल गए। हमने ये रोड पे खड़े होकर मैंने ये कहा था, सर आप इस मकान को क्यों तोड़ रहे हो, आप ये तो बता दीजिए इस मकान हमारा क्या गुनाह है भाई, इसका नोटिस दे दीजिए, आप तोड़ दो कोई बात नहीं मगर नोटिस तो दे दीजिए। हमने 41 लोग निकाले, उसका थोड़ा तो सम्मान करो, थोड़ा तो टाइम दो, कुछ नहीं, सीधा जैसे हमने कोई गुनाह करा हमें ले जाके थाने में बिठा दिया गया। बताओ ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का ये सम्मान है हमारा, इसे कहते हैं सम्मान? अब क्या मांग कर रहे हो, क्या उम्मीद? हमने तो कल भी कोई मांग नहीं करी ना आज मांग करते, हमारा तो जैसे मकान तोड़ा गया है वैसे ही वापिस उसे बना के दे दिया जाए, हम बस यही गुजारिश करते हैं, क्योंकि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, हमें तो अपने मकान की उम्मीद है, हमारा मकान दे दो, हम बस यही उम्मीद रखते हैं। किसी भी सरकार से या कोई नेता कोई पहुंचा भाई कोई? किसी सरकार से उम्मीद तो जब होती जब हमारे पास आते, हमारा दुख दर्द पूछते, हमारा दुख दर्द देखते, हमें क्या हुआ क्या नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं लगती, अब नहीं लगती, पहले तो हमें बहुत लगती थी मगर मुझे अब नहीं लगती, मुझे तो खुद नहीं लगती, मैं खुद कहना चाहता हूँ मुझे नहीं लगती। जैसे हमारे वकील साहब का सामान बाहर पड़ा है, बच्चे रात बाहर सोए, बाहर ऐसे घूमते रहे, हमने आग जलाई, मैं अपने घर तलक पे नहीं गया, बताओ ये वो हुआ हमारे साथ, इतना कुछ हुआ। मोदी जी ने भी तारीफ करी थी, उनसे कुछ कहना चाह रहे हो? जी हम उनसे भी कहना चाहेंगे, मोदी जी हमारे 16 दिन तलक सोए नहीं थे, 17 दिन तलक, और हमें अफसोस था हमारे प्रधानमंत्री सो क्यों नहीं रहे भाई, उन्हें आराम मिलने चाहिए, मगर 41 लोग थे वो भी अपना फर्ज निभा रहे थे। मैंने हमारे मोदी जी फर्ज निभा रहे हैं, हम भी निभाएंगे अपने भारत के लिए। हम वहाँ पे गए, उन 41 लोगों को निकाला, मोदी जी ने एक बार तारीफ करी और आज हमारा मकान तोड़ा गया। आज किसी ने कहा, मोदी जी ने भी नहीं कहा भाई आपने क्यों करा ऐसा, मतलब उनकी भी बात को नजरअंदाज कर दिया, मोदी जी की बात भी नहीं मानी डीडीए वालों भाई, किसी ने कोई बात नहीं मानी, तो बताओ ये कहाँ का इंसाफ है? हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ, हमारा घर तोड़ा तो सोच लो हमें यही सम्मान दिया है हमारा घर तोड़ के। उससे मायूसी कितनी है, मायूसी भाई, उस दिन तो मैं खुशी के मारे रो रहा था, आज गम में हंस रहा हूँ, चेहरे पे गुस्सा है मगर गम भी बहुत है, मगर क्या करूँ, जैसे हौसले वहाँ बुलंद थे लोगों को बचाने के लिए, अपने मजदूर भाइयों को बचाने के लिए, ऐसी हौसले यहाँ बुलंद है, इसी पे टिके रहेंगे जब तक हमारा मकान नहीं मिलेगा, मर जाएंगे, हमें मार दो हमारा मकान दे दो भाई, हमारे बच्चे तो रहेंगे, हम किसके लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए तो बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए तो मजदूरी कर रहे हैं, नहीं तो दो रोटी खानी है, किसी के भी पास चापलोसी करी और खा ली, किसी की भी उसकी लोलो चोपो कर ली, उसकी लोलो चोपो कर ली, हम पे नहीं आता भाई, हम कोई सरकार में नहीं रहते, हम तो मजदूर हैं, आवाम के लिए जीते हैं, भारत के लिए जीते हैं, हम किसी के लिए नहीं जीते, अपने भारत के लिए और आवाम के लिए। कल जिस तरीके से डेमोलिशन किया गया था, कोई मेनस्ट्रीम नेशनल मीडिया का कोई पत्रकार था? नहीं, उस टाइम कोई पत्रकार नहीं था, हमारे फ़ोन रख लिए गए थे थाने में, हमें कोई कॉल भी नहीं करने दी, फ़ोन तो ऐसे रख लेते हैं जैसे हमने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया है, पता नहीं किसको मार के आए भाई, देश के नागरिक हैं, भारत के बच्चे हैं, है उनसे पूछा जाता है भाई आप क्या हुआ, कुछ नहीं, बैठो साइड में बैठो, चलो बैठ जाओ। अब क्या क्या लग रहा है, जिस तरीके से नेशनल मीडिया ने आपकी वो खबरें दिखाई थी मजदूरों को बचाने की, ये खबर भी जो है इसी तरीके से दिखाई जाएगी? नहीं, मीडिया पे हमें उम्मीद रहती है पूरी, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं मीडिया के, हमारी पहले भी खबर दिखाई थी और आज भी खबर दिखाएगी, और ये हमारी आवाज़ ऊपर तलक पहुँचाएंगी, हम मीडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हर बार हमारा साथ दिया और अब भी साथ देगी। मैं सारों को गलत नहीं कहता, एक आध हो जाता है, जैसे हर किसी में चंद लोग बेकार होते हैं तो ऐसा थोड़ी है पूरी मीडिया ही बेकार होगी, हाँ हर कोई हर किसी के लिए सही होता है, एक आध होता है तो सबों को बेकार नहीं किया जाता। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद अंसारी, जो हमें कहते हैं ना देश के सुपर हीरो, जनता ने जो हमें प्यार दिया सम्मान में कहते हैं ये देश के सुपर हीरो हैं, हमें वो सुपर हीरो हैं जो सरकार ने हमें सुपर हीरो कहलवाया और आज हमें सुपर जीरो कहलवा रहे हैं। जो हमारे वकील हसन मेन लीडर, उनका पिलोट नहीं बचा तो हम तो किराए पर रहने वाले, सरकार ने हमें दिया तो कुछ नहीं, सरकार ने हमसे लिए बहुत कुछ लिया, फुटपाथ पर ला दिया हमें, हमें इस काबिल ला दिया कि हम कटोरे के बाद कटोरा हाथ में आना बाकी रह गया, सरकार की तरफ से कटोरा ही हाथ में रह गया आने के लिए, कुछ नहीं बचा हमारे पे, हमें सरकार से मिला गया कुछ नहीं मिला,
मनोज तिवारी जी आए थे जब हमें सम्मान करा था, हमारा खजूरी में आए थे, 25,000 के चेक भी दिए थे मनोज तिवारी जी ने हमें, और हमारे वकील हसन जी को ये आश्वासन भी दे के गए थे कि हम तुम्हारा घर खड़े होकर बनवाएंगे और उसी घर के अंदर बैठ कर खाना भी खाएंगे, आप बेफिक्र रहें कि आपका मकान आपको दिया जाएगा। और आज ये होता है कि ये शिला शायद हमें मनोज तिवारी जी ने हमें मोहब्बत में गिफ्ट दे दिया हो, आज बैठ कर तख्त पर खाना खा रहे हैं। कब हुई है कार्रवाई? ये कल सुबह हुई है 9 बजे से, और शाम को 7 बजे तक ये कार्रवाई चली है। पुलिस अधिकारी काफ़ी थे, DDA एक अफसर थे यहाँ पे, और ये हाथों हाथ दीवार करके चले गए हैं, पीछे दीवार हो रही है, इसलिए हमारी पूरी टीम रेड माइनर्स पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है, और ये उनके जो वकील हसन जी की फैमिली भी यही है। हम जब तक अनशन पर बैठे रहेंगे जब तक हमारे वकील हसन जी का मकान नहीं दिया जाएगा। कुछ और कहना चाह रहे हो प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी से भी कहना ये चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी हमने ये सुना है कि मोदी जी की एक ही आवाज़ एक ही वो है, सबका साथ सबका विकास, हमारा तो ना साथ है ना विकास है, साथ तो उनका है ही नहीं, हमारे सर पर हाथ रखा ही नहीं उन्होंने, विकास था थोड़ा बहुत मकान दुकान का, वो भी हमारा छीन लिया, तो हम किस पे विश्वास करें बताओ? हम इसलिए कि हम मुस्लिम हैं, हम एक गरीब आदमी है, इसलिए अभी पता नहीं हमारे साथ सरकार ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है, ये हमें पता ही नहीं हमारी सरकार हमें इतना इग्नोर क्यों कर रही है। हमने कोई सरकार के खिलाफ या किसी भी नेतागण के खिलाफ, हमने किसी भी पार्टी के खिलाफ किसी भी कोई अल्फाज नहीं बोला, हमने जो काम करा अपने देश के हित में करा और अपने देश के हित में आगे भी करेंगे, अगर देश की आन बान शान पर कोई बात आएगी तो हम हमेशा करते रहेंगे अपने देश के लिए, सरकार चाहे हमें पूछे ना पूछे, मगर हम देश के लिए कभी ऐसा कोई वाक्य होगा तो बिल्कुल जान लो तन मन धन से साथ। शायद ये सिला मिलता होगा इनके नज़र में, 41 मजदूरों की जान बचाई उसका इनाम ये दिया जा रहा हमारे लीडर को, हम पे तो है नहीं पहले से घर, और हमारे लीडर का था वो भी छीन लिया, हमारे लीडर को रोड पर डाल दिया लाके। एक दिल्ली में सरकारी महकमे से हैं वो इकबाल सिंह, उन्होंने 2.5 महीने पहले हमसे एक वादा किया था कि हम तुम्हें 15 दिन के अंदर अंदर ऐसा कर देंगे कि आप अल्पसंख्यक आयोग के, वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, जी 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 हाँ, उन्होंने हमसे एक वादा किया था, मुझसे ही खास करके उन्होंने कहा था मंच वहीं पर बैठ कर अपने ऑफिस में कि तुम सुपर हीरो हो, तो मैं इस बात पर गुस्सा हो गया था, मैंने बोला सुपर हीरो मत बोलो हमें कि क्यों, मैं सुपर हीरो अभी बोल रहे हो आप यहाँ पर, बाद में तो भूल जाओगे फिर जीरो बना दोगे सब, बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने हमसे वादा करा था कि 15 दिन बाद हम तुम्हें ऐसा कुछ कर देंगे ज़िंदगी भर चैन की रोटी खाओगे और आपको कोई टेंशन नहीं होगी कभी भी, अभी तक उनके 15 दिन नहीं हुए, ना कोई फ़ोन आया ना कोई रिप्लाई आया ना कुछ भी आया, बस अब तो यही लग रहा है मैं क्या कहूँ अपने मुँह से उनके बारे में, जिन 41 लोगों को निकाला था, अगर शायद उन तक हमारी आवाज़ जा रही हो तो थोड़ा बहुत हमारे बारे में वो थोड़ा विरोध करें, थोड़ा उठें, और इस सरकार से भी कहना है कि हमारे वकील भाई का घर वापस दे दें तो अच्छी बात है, बाकी ज़िंदगी भर यही सोच में रहेगा कि सरकारी बेकार है, क्योंकि शायद हमने गलत कर दिया उन 41 को बचा के, हमने कोई लालच नहीं था, कोई पैसे वैसे नहीं मांगे, और आज तक हमें पैसे भी नहीं मिले, कोई पैसा नहीं मिला वहाँ से, ना कंपनी से सरकार, वो पुष्कर धामी ने तो दिए थे जी 50,000 रुपये घोषणा करी थी उन्होंने 50,000 रुपये की, और 1,00,000 रुपये उन्होंने तुरंत दे दिए थे निकलते के साथ ही, जो 50,000 रुपये मिले थे, हाँ जी मिले तो थे, हम तो उन्हें वापस भी दे रहे थे लेकिन उन लोगों ने वापस नहीं लिए हमसे, ज़बरदस्ती उन्होंने कहा आपके सम्मान के तौर पर हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम इन्हें ले जाओ और तुम्हारे लिए हम 8-10 दिन में फिर कुछ और करते हैं, आज तक उनके भी 8-10 दिन नहीं हुए, अब तो ऐसा लग रहा है जी जो पहले थे ना हम जीरो, मतलब बेलदारी कर ली या किसी की भी कुछ मजदूरी कर ली फिर वही करना पड़ेगा हमें, तो बस मेरा तो यही कहना है कि मतलब इतनी बड़ी कॉलोनी में सिर्फ एक वकील हसन का ही मकान मिल रहा तोड़ने के लिए, देखिए खुल के कहूँगा तो मज़ा तो आएगा नहीं कहने में, वो समझ जाएंगे अपना आप ही, शायद DDO में केवल उन्हीं का मकान आ रहा हो, बाकी और सब मकान उन मतलब उनके हैं ही जो जो इसमें रह रहे हैं, बाकी उन्हीं के वो DDO का मकान में उन्होंने बना रखी है इसलिए उन्होंने तोड़ दिया मकान DDO वालों ने, लेकिन कोई नोटिस वगैरह तो भेजने चाहिए था ना पहले उन्हें, कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया, उन्हें पहले नोटिस भेजते फिर 2-4-5 दिन का टाइम देते, 10 दिन का या महीने दिन का, अब बेचारे रोड पर पड़े हुए हैं, और फिर दूसरी बात वकील भाई भी नहीं थे, उनकी घरवाली भी नहीं थी यहाँ पर, उनके बच्चे थे छोटे छोटे,
पीछे आए गुंडागर्दी करके, गुंडागर्दी मान लो इसे, गुंडागर्दी करके उनका मकान तोड़ गए। उन्हें तो ये शर्म आनी चाहिए थी कि भाई इन लोगों ने 41 मजदूरों की जान बचाई, हमारी बहन पूरी दुनिया पूरा हिंदुस्तान हमारा सम्मान कर रहा, मतलब काफ़ी लोगों ने हमें बुलाया, मंत्री भी बुला रहे हैं हमें, अखिलेश यादव ने बुलाया था, अब देखो केजरीवाल भी बुला रहे हैं हमें कुछ दिन बाद, हमारे सुनने में आई है केजरीवाल ने भी बुला रहे थे उस दिन प्रोग्राम। हाँ उस दिन वो तो बुला रहे थे, लेकिन अब पक्का बोला है बुलाने की, वो बुला रहे हैं अभी हमें सुनने में आई है हमारे। लेकिन अब क्या कहा जाएगा, बस देखो ऊपर वाला मालिक है जी, क्या होता है क्या नहीं होता, अगर इनके दिल में दया डाल दे ऊपर वाला तो हमारे वकील भाई का मकान दे दे, हम तो 11 हैं ही सड़क पे, हमारे 12वें को और कर दिया जो हमारे लीडर थे, उन्हें भी सड़क पे लाकर डाल दिया, उनके बच्चों को भी। इस मामले में जो है, हालांकि अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना देने की बातें की जा रही हैं, मनोज तिवारी भी इसमें कह रहे हैं कि मैं मकान दिलाने की भी जो है कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से चुनावी माहौल है, 2024 के इलेक्शन है, इस पूरे मामले को भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक खास मजहब को ही लगातार क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से बुलडोज़र की कार्यवाही लगातार चलाई जा रही है। अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात होगी कि क्या होगा, वकील हसन को मकान मिलेगा, यहाँ मिलेगा या कहाँ दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।